नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन औपचारिक रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो गए हैं, क्योंकि बाइडेन ने डेमोक्रेटिक नामांकन हासिल करने के लिए 1991 से अधिक प्रतिनिधियों को सुरक्षित किया है। प्रशांत महासागर में स्थित फिजी ने खुद को कोरोना से मुक्त घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि फिजी में कोरोना के सभी 18 लोगों के ठीक होने के बाद ये ऐलान किया गया। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां इस बीच भारत अब इटली को भी पीछे छोड़कर कोरोना वाले देशों की सूची में दुनिया में छठे स्थान पर पहुंच गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार लॉकडाउन के समय लोगों और एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों को नगद सहयोग न देकर अर्थव्यवस्था को घाटा पहुंचा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार का यह कदम नोटबंदी 2.0 है। जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा के दोबारा से संसद भवन में दिखाई देने की उम्मीद बढ़ गई है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्टी उन्हें कर्नाटक से राज्यसभा सीट पर अपना समर्थन देने के लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि पार्टी ने यह कदम आगामी राज्यसभा चुनाव में भाजपा के खाते में एक अतिरिक्त सीट को जाने से रोकने के लिए किया है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने कहा है कि भारत को एक बार फिर जुलाई में टिड्डियों के असर का सामना करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि भारत में टिड्डियों का असर राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में देखने को मिला, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। ईडी के 5 कर्मचारियों को कोरोना होने के बाद एजेंसी के मुख्यालय को सोमवार तक सील कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि कोरोना होने वाले कर्मचारियों में विशेष निदेशक रैंक का एक अधिकारी भी शामिल है। अमरनाथ यात्रा 21 जुलाई से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि सुरक्षा और संबंधित एजेंसियों के अधिकारियों ने यात्रा के संचालन को लेकर श्राइन बोर्ड के साथ विचार विमर्श किया है। बताया जा रहा है कि यात्रा के लिए बालटाल मार्ग से बर्फ हटाने का काम शुरू किया जा चुका है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज पटना में आरजेडी दफ्तर में एक बैनर टांगते नजर आए, जहां इस बैनर के जरिए आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार से कई सवाल पूछे हैं। इस दौरान तेजस्वी ने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि जिस काम के लिए जनता ने उनको चुना था और जो जिम्मेदारी दी थी, वे उस पर खरे नहीं उतरे हैं। भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें उनके भाजपा छोड़ने का दावा किया जा रहा है। सिंधिया ने स्पष्ट किया है कि झूठी खबरें तेजी से फैलती है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहां शहर के एक निजी अस्पताल की 4 स्टाफ नर्स को भी कोरोना हो गया है। हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार ने कोरोना के मद्देनजर इस साल प्रदेश में बिजली की दरें ना बढ़ाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि साल 19-20 की बिजली दरें ही इस साल भी राज्य में लागू रहेगी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार राज्य में प्रवासी मजदूरों के लिए नई नीति बनाने जा रही है। जहां सब कुछ ठीक रहा तो इस महीने के अंत तक नई नीति सबके सामने होगी। गौरतलब है कि लॉकडाउन के कारण अब तक 6.5 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर झारखंड आ चुके हैं। यूपी में 25 स्कूलों में फर्जी तरीके से नौकरी करने और 1 करोड़ की सैलरी उठाने के मामले को लेकर सुर्खियों में आई शिक्षिका अनामिका शुक्ला को कासगंज पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि शुक्ला कस्तूरबा विद्यालय फरीदपुर में विज्ञान की शिक्षिका के रूप में पूर्णकालिक रूप से सेवा दे रही थी। आरबीआई ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर जानकारी दी है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 29 मई को समाप्त हुए सप्ताह में मुख्य मुद्रा परिसंपत्तियों की अच्छी अभिवृद्धि के चलते 3.43 अरब डॉलर की बढ़त के साथ 493.48 अरब डॉलर के नए ऊंचाई स्तर पर आ गया है। BSNL ने अपने उपभोक्ताओं को लॉकडाउन के दौरान फायदा पहुंचाने के लिए 499 रुपए वाला 300 GB प्लान CS 337 ब्रॉडबैंड प्लान की उपलब्धता को 9 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि पहले ये 10 जून को समाप्त होने वाली थी। एक रिसर्च के मुताबिक रोजाना तरबूज खाने या इसका जूस पीने से खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है। इसके अलावा तरबूज के सेवन से हृदय संबंधी बीमारियों के होने का चांस कम हो जाता है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन बास्केटबॉल लीग 2019-20 31 जुलाई से शुरू हो सकती है, जिसके लिए NBA के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने 2019-20 सत्र को फ्लोरिडा में फिर से शुरू करने को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि एक ही जगह 22 टीमों की लीग शुरू करने का एक प्रस्ताव रखा गया था, जिसे मंजूरी दे दी गई।
बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की साल 1992 में आई मूवी खिलाड़ी को रिलीज हुए आज 28 वर्ष पूरे हो गए हैं। गौरतलब है कि फिल्म इंडस्ट्री में अक्षय कुमार को जिस फिल्म ने खिलाड़ी बनाकर स्थापित किया उस फिल्म का नाम ही खिलाड़ी था। बॉलीवुड की मशहूर गायिका नेहा कक्कर का आज जन्मदिन है। इस मौके पर उनके फैन सहित बॉलीवुड स्टार उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सके अपडेट।